जिनारे सतगुरु को नाम किया राम जी मेघवंश लिख महाराम जी ने ज्ञान दियो समझ मन मोइला थू मोइ लोड़ी चादर धोई बिना धोयो दुख उपते थारो तिरणो किरणी बिध होई रोहिड़ा रंग फूटरा फूला जबरा होई ओबो सुके बिकमी भोम में जारी गली ने बिण जे कोई इने रूपी लिख महाराम जी महाराज देवताओं की पूजा करी सेवा करी। एक समय जुंडाले लिखमाराम जी महाराज रे भाई पाया क्यों लिखमाराम जी महाराज आपने गुसन जी महाराज रो जमो जगावनो पड़ी तो लिखमाराम जी बहादुर महीनो बीज रे दिन मजीरा और बीण ले रवाना होवे तो पहला रिटे में साधन बड़दा गाड़ी ऊंट गाड़ी घोड़ा गाड़ी ये चीजों होती थी तो लिखमाराम जी महाराज बड़दा गाड़ी छो जोतपुरा और रवाना वे तो बेहतर बेहतर बीच में सुनी उजाड़ आवे और एक गाड़ी री धुरी टूट जावे तो कहीं लिखमो जी महाराज भगवान गुसाई जी ने याद करे और कहीं बात बने देखो भगत जीव प्रलय नहीं जो युग जाए अनंत चार वर्ण मोहि जन्म ले जन रेत संत का संत महापुरुष के भाई चार वर्ण है वेश्या शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मण मानव में कोई ऊंच और नीच नहीं है बुद्धि और शिक्षा की कमी से वजह से नीच है कुटक वचन मा कीच कीचन का कीच है अरे जिस घट में बसे क्रोध वही घट नीच है महापुरुष के भाई नीच कोई जाति से नहीं होता है तो लिखमाराम जी महाराज तू कहीं तक गुसन जी ने याद करे और कहीं बात करे देखो आप कहीं आपत नहीं की हो तो लिखमी राम जी महाराज
चकड़े नीचा उतर और बिनो तैयार कर और भगवान ने आरोध करे। द्वारका में देव थे मक्के में साईं और जुंजाड़े हो देव गोसाई नाव दिराई धोकी दे धामा अब कदमा रसूल को जाई। ऐसे भीड़ पड़ियों भक्तों ने तारू संगठ मेटो साईं जागो मारा देव गरबा गोसाई। राम जी महाराज के द्वारका में देवता बाजो, मक्के में मुस्लिम लोगों ने साईं बाजो और जुंजाड़े में देव गोसाई बाजो। सब गट देखो साईया कोई गट खाली ना आई। अरे बलियारी जिन गट को है ता प्रगट दिया लखाई। महापुरुष के पत्ते पत्ते में कण कण में सर्वशक्ति व्यापक है। बोले कि राम जी महाराज कहे प्रभु पहलो पाव धरियो धरनी धर दूजो मक्के मदीना माई। अरे तीजो पाव धरियो जुंजाड़े छोतो जगरे माई। यूं भीड़ पड़िया भक्तों ने तारो संगठ मेटो साई। तो इन सेवा कौन लेने आयो अपर राजस्थान में गरवा बेग ऋषि जी कपिल मुनि समस पीर जी और अबले ऋषि जी ए अपर इन राजस्थान रे मोया चरणरी पूजा ले आया। ये पूजा मका मदेनिया में सऊदी अरब में बड़ो जिलो है कड़ेल गांव है उटू डावे पगरी सेवा है चार मानव लाया इंटे में रुने से जाई और गुसाई जी की तरफ ना करी उंटे में लिख मुझे महाराज के प्रभु एड़ेड़ा भक्तों ने कार्य सारिया तुम्हारे धुरी रे चटको लगा दो धुरी तैयार कर दो तो मैं भी जुंजाले जाऊं दुनिया मारी बाट जोवे। तो सतयुग में किन भक्तों ने भगवान कार्य सारिया तो कई भक्तमाल लिख मुझे महाराज के और कई बार बिना देखो अरे रामा मोरी राती प्रभु अब के डोरी आत आप बिनो नैया सुरो तुम जानो रघुनाथ। हेलो नींदर पे के लाल जी पूते किसा धनिया ने लावो ये परती में अरे तारे हमारो पतिया मेरा खाओ फड़िया देवा भक्तों ने तारो संगठ मेघ की बसाई वो जागो देवी को साई बाबा संगठ मेघ को साई अरो भाई अरे सकल में बनाई वो
की जय हो। बोली कुई राम जी महाराज के वे पियाला में पार थर प्योर सत्यों सेवा मनाई मिनहारी रा बच्चा उबारी आगन झाड़ रे माई। अरे भीड़ पर भगतों ने तारो अब संगत मेटो साई। दुगढ़ मुल्तान शहर में बैराराम जी ने एक बार संत रंगी जात का वे सिया देती ने उपदेश दिया और गढ़ मुल्तान शहर का भी सिया देती प्रजापत चलोंद्रा जाति जिन्होंने पति उड़न पंची नाम को माटी का बर्तन घड़वारो धंधो करता दोनों लोग लुगाई। तो भारतीय राजधानी पहला हैदराबाद थी। उन टाइम में यादरकोटा शहर में राजा हिरण्यकश होया और जिनने पुत्र प्रहलाद हैदराबाद में उन शहर में होया। तोरा भगत प्रहलाद ने के जाओ प्रहलाद अपनी नगरी में कोई दुखी वे जिन लोगों ने साल संभाल ले आओ। तो सीरिया दीदी ससुराल जल गांव महाराष्ट्र में बाजूरो में और भजन करे सास जी के मारे पिता जी रो नाम लेवे दुनिया की कने रोटी मिले और वो आप केड़ो नाम लेवो। तो प्रहलाद जी ने के मिनीरा बच्चा इंडिया में खिड़की गाए और नाव रे फरता हरी राम सरोवर पाल पे संतो नाम भजो लड़के को नाम भजो बचवाच रात को साई के ठाकुर सिरिया दी सेवा में पांच बच्चा मीना आर्य तारिया बाकी नहीं आउ से पाको ऐसे केर वो पांडव रे हुई लड़ाई आयो मरण रो आंको प्रीत पांडु नाम से ना की जोरे बाल नहीं हुई हो बांको। तो उन टाइम में प्रहलाद जी 21 दिन न्याय खोले सिरिया दे दी और अर्थो राजा प्रजा बादशाह सब आवे बच्चा सज्जित निकला हरी धूप दूध रा प्याला। उन टाइम में प्रहलाद जी सिरिया दे दी उपदेश लेवे और ले और उपदेश घरे जावे आठ महीना होटो रटना पड़े सतगुरु उपदेश 16 महीना कंटो 32 महीना हृदय और 5 साल ना भी शब्द साधना करे जब सवेरा दर्शन होवे। तो उन टाइम में प्रहलाद जी घरे जावे और नाम रटना करे तो हिरण्यकश कहो हाकरो रे भूंडा जल में बिगड़ जावे वंश हिरण्यकश रे प्रहलाद जन्मी उग्र सेन रे अंश कंस अनीति से जात है राज तेज और वंश अरे तीनों ताला दे गया देखो रावण केरु और कंस महापुरुष के भाई अनीति निकरनी। उन टाइम में प्रहलाद जी नाम रटे सिरिया दे जी रे पास में लियोड़ो उन नावरी भक्ति करे बिनते में हिरण्यकश रे मन में जची एडो लड़को अपोर नहीं चाहिए इन पौरे में नेक दो। तो उंडा पौरे में प्रहलाद जी ने नेके उनटे में सर बोईड़ा बीचू वगैरह तो फिर प्रतिमा लगाऊंगा ढोका प्रहलाद जी ने और कामदार करवारिया देख क्यों रे पेंशन दे तो ठीक है नहीं नौकर बिना पेंशन ही चल जाओ घरे आप तो इतना कुछ कहो एडो कहीं जो है जो सबसे बड़ो आदगर है जिनमाते प्रहलाद जी बिराजिया और सर बोईड़ा बीचू वगैरह प्रतिमा लगा रिया है। उनटे में रिना कुछ के वे ओ अपर लड़को यूं नहीं मरे तो इन्हें कीकर खत्म करना यू नाम ने कीकर छोड़ा होना। उनटे में आप रे गटरे में बहुत बड़ा बड़ा थंबा हा पत्थर रा खंबा जिन्होंने थेपड़ियां छूना आग लगाई और खंबा लाल करो और बात भरावे। उन टाइम रे मोय प्रहलाद जी करुणा करे तो उन टाइम में बालूड़ी कीड़ियों आपे जो चढ़ती उतरती दर्शाई भगवान हिरण्यकश ने वरदान दियो दिन मरे नी रात मरे नी तीर मरे नी तोप मरे नी घाव मरे नी घोबे मरे नी लोह मरे नी लखड़ू मरे नी मोय मरे नी बारे मरे नी जप कर तप कर आयो हिरण्यकश वर मांगियो अखरी अरे लो लकड़ से मरियो नहीं सजनो मर को मौत नखरी अब जीव तू मत करना जिक्री भाग लिखी सो ही रे वे भली बुरी हकरी। तो उन टाइम में पहला दिन बात भरावे तो कहीं तो भगवान प्रगट हुए और कहीं बात नहीं देखो गलती हो जाए तो कोई क्षमा कर दे जो भगत पहला खंबे बात भरे और अर्नो फागण नो महीनो उतर तो उन दिनों ईद में वो तेरूड़ी चलाई हो वर्ष में और बारूड की अंदर साई
और हिरण्यकश्यप रो नर और सिंह रूप धार के पत्र में से भगवान प्रकट होया हिरण्यकश्यप रो विनाश करियो वो देखो कह के वे अरे काट कटारी हिरण्यकश्यप को हमें बता दे साईं हो तो मैं बोने हड़के खंपने पान कमल के माईं हो बीड़ी पड़िया एक संगठ देख दो साई को ए जाको देवी को साई को देवा को संगठ देख मेरा साई को पार प्राण तू पर कटे हो जाओ खड़खम के माई वो प्रभु भक्तों ने तारो संगत देखो साई अरे भाई भाई नहीं लगे इंद्री कष्ट मिली राजपाट छूट को औरत ने बेचनी पड़ी कौर रोहिदास ने पास दस को और फिर भी भगवान उन्होंने पाती सता दिराई तो लिख मोदी काई कहवे देखो जे कोई राके साईया अरे मार सके ना कोई बाल नी बंका हो सके दे जग बेरियो संसार मारने की कोशिश कर दे और परमात्मा नहीं मारे जीते कोई नहीं मार सके महापुरुष के जे कोई राके साईया मार सके नहीं कोई सात पियालों उलटे है तो जेह जग बेरी होई इस मानव प्रमाण जैसा मृत्यु लोग जैसा सात लोग उलट जावे तो भी कोई मारने वाला नहीं है तो महापुरुष के भाई सब नाम रूप प्रताप उनटे में राजा हरिश्चंद्र साठ पर सोने रे वास्ते कासुराम काशीरे में कालूराम जी हरिचंद्र करे पानी भरने की नौकरी करी काशी में बनारस जिला उत्तर प्रदेश तो उन टाइम में देखो देवी को गोसाईं महाराज की जय हो वे कृषि दयाल की जय हो तो लिखी राम जी महाराज कहवे काय कहवे राधा हरिचंद्रवाणी तारा दे सत्यों साम मनाई मूंगे मोल हरि बणगा माली रानी तारा दे ताई भीड़ पड़ियों भक्तों ने तारो संगत मेटो साई तो लिखी राम जी महाराज के प्रभु राजा हरिचंद्र ने 45 दिन को कष्ट मिलियो राजपाट बिक गया साठ वर्ष सोनो कम पड़ गयो कवर रोहिदास ने बेचनो पड़ियो और रानी तारा दे ने भी बेचनी पड़ी कवर रोहिदास ने मिनटे बासिंग कस जावे वे मिनटे में प्रण लियो
के जड़ते का परो राजपाट पाछो नहीं मिले जीते अपन एक थाल भोजन नहीं करा और अपन शासन में नहीं चलना। इन्हीं रूपी महापुरुष के माजी कुंता पांचू पांडु अरे गुरु दरवाजा होता वाई भूंजी कहनी रो आंबो लगायो अरे विप्र पोखियो वाई भीड़ पड़िया भक्तों ने तारो संगत मेटो साई। तो लक्ष्मी राम जी महाराज गए प्रभु मारे कोई आंबा कीड़ा का नहीं लगाना है मारे अगर ये धुरी रे चटको लगा दो तो मैं भी क्यों जाले जाऊं। उन टाइम में किन किन भक्तों ने भगवान और देखो कार्य सारिया तो कई लिख मुझ कह दे राम गरीब निवाज हो मेरे पत के राखनियार पत रात प्रहलाद की प्रभु गज की सुनी पुकार गज की सुनी पुकार अरे दौड़ के आए दीनों चक्र चलाई गज को फंद छुड़ाए बजे तो बज भगवान को तोर तो अभिमान करो दी सेवा बंदगी दी मदे वो तो अनुदान तो और भगवान किन किन भक्तों रे कार्य सारिया तो देखो ये गड़े में पाटी तरपी हो हरि राम सरोवर पाल पहरे बोलो भूषण जी महाराज की।
जय हो। बाबा रामदेव जी दयाल जय हो। गड में पाठ थर पियो थावर बीज दिनाई। अरे धारू में ग्वाल घरे जमो जगायो गुरु उगम सिंह ताई। भीड़ पड़िया भक्तों ने तारो संगठ मेटो छाई। तो जागो मारा करवा देव गुस्साई। तो लिखमाराम जी महाराज के प्रभु रूपा दे दी। धारू में ग्वाल ने घरे उगम सिंह जी महाराज जमो जगायो। बिंटे में उगम सिंह जी महाराज धारू में ग्वाल ने रूपा दे दी गुरु हा। और धारू में एक बार भाई रूपा रे धर्म भाई हो और गुरु भाईया उन टाइम में रूपा दे दी। जमले में आवे धारू में एक बार ले घरे और राजा ने ध्यान पढ़ियो क्यों रूपा दे दी। एक बार और घरे जमा जगावे तो राजा तलवार काट और रूपा दे दी माते कोप करे। उन टाइम में कहवे कहवे वाने तन सुनो माल दी काउड़ बोलो काई। अरे फूल ले मैं गई बाग में राजा परे ताई। भीड़ पड़िया भक्तों ने तारो संगठ मेटो साई। जागो मारा गरबा दे को साई। उन टाइम में कहवे मोने तन कहवे माल जी सुनो मोने तन पटरोनी ते फिरो अबेला गम गुजरूला नहीं। उन टाइम में भगवान उन प्रसाद रा फूल बनाया है चंपा मरवा कली केवड़ा और थाली में बाग लगायो। तो लिख भी राम जी महाराज गए प्रभु मारे को चंपा मरवा कली केवड़ा जी फूल बनाना है। मारे धुरी रे चटको लगा दो तो मैं भी जोंजा ले जाऊं और दुनिया मारी बाट जोवे। तो देखो और भगवान किने दवारे आया और कई कई कार्य सारिया तो कई लिखमो जी के और कई बात बजाओ बराबर गोसाई जी मंदिर काटिया और जिला सीकर वहां हो रहा है। पुजारी जी बाबूनाथ जी महाराज देवासी
और आवाज पहुंचा गया है राधा स्वामी साउंड सिस्टम स्टूडियो दाता जिला सीकर और रिकॉर्डिंग करता बेगुराम मेहरा मेघबन वाह भाई मेघ मंडल भारतरे माई रिक हिंदी हुए मर्दाना ढोलक मास्टर नाथुराम जी मुआना वाह भाई राजनाथ क्या बात है सतगुरु दयाल की जय हो हुसैन जी महाराज की जय हो। तो आप कह रहे कहीं राजा रे द्वारे पधारिया भूमि नापवा ताई तीन पौंडा धरती दे दो मैं कुटिया बनाई बैठू माई। तो राजा बलीरो सतरम नवास्ते भगवान आवे उन टाइम में बावन रूप धार कोरान के राजा बली आप इस दुनिया में बहुत बड़े दानेश्वर हो और मने भी कुछ दान करो। राजा बली बोला बोलो क्या दान चाहिए। क्यों मने तीन पौंडा धरती चाहिए और मैं अटे कुटिया बनाई और माला फेर। राजा बली के भी बिलाडर में जिला जोधपुर में इन राजस्थान रे में उन टाइम में राजा बली वरदान दे दियो रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जा पर वचन नहीं जाई। तो जिन्होंने आगे भृगुजी महाराज शुक्राचार्य जी रहता और वे परण लेने लागा उन टाइम में माखी बनो और बीच में आया उन टाइम में डाबड़ियों भुतो दियो आंख फूट गई। तो भगवान के आरती देवे जिकने डाबी आंख फूटिया गए तो शुक्राचार्य से के शुक्राचार्य सुनो राजा बली ओ हे ब्राह्मण नहीं अरे वो तो ब्राह्मण सृष्टि उपावन छलवा आयो है अब मोरे तई ओ अपन छलने आयो राजा मत दो दान जमी को ओ राजा वर है कोई लक्ष्मी को। तो उनटे में एक पैर हरि राम सरोवर पाल पे दे और बोला तीसरा खाता पैर का रख तो राजा बली के मारे सिर पर रख तो कहवे पीठ नाप दो प्याल चौकियो सिर नाप की सारी अरे राजा राम छोड़ो लीले अश्वारी पिछरे नेजा धारी अब पीर बड़ा उतारी। तो लिखो जी महाराज कुशन जी महाराज ने कहे मारे अगर ये पेड़ो फूट दो तो मैं भी जो जाले जाऊं और दुनिया मारी बार दोवे। तो देखो कहीं तो भगवान लिखमो जी ने पेड़ो फूटे और कहीं बात बने सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप जिनके हृदय साथ है अरे उनके हृदय आप। महापुरुष के भाई खुद की ईमानदारी अटल धन है और धन सबका विनाश हो जाता है गो धन गज धन और रतन धन धाम संतोष धन जब आवे सब धन धूड़ समान। हमेशा इन दुनिया रे में तीन चीज सजना दिमाग में ले लेने चोरी जारी और जीव हत्या ये सबसे बड़ा दोष है चोरी जारी और जीव हत्या। दस दोष है कुल मानव का तीन दोष है तन का कहिए तीन दोष है मन का चार दोष वचन का कहिए और दोष है कह का। महापुरुष के तीन दोष है तंद्रा तन मन धन जैसे जीव हत्या चोरी और जारी झूठ कपट और निंदा ये तीन दोष मन का है वाक चाल कुटक वचन मिथ्या और लापरवाही ये चार महापुरुषों के शब्द का दोष है। महापुरुष के बुरा देखने में गया बुरा नहीं मिलिया कोई सोगट खोदिया आपका मेरे से बुरा नहीं कोई। इन्हीं रूपी महापुरुष के भाई सच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जिसके हृदय साथ है यार उनके हृदय आप। तो लिखमो जी महाराज और कहीं कह रहे देखो कहीं भगवान पेड़ फूटे और कहीं बात बन जा रहे हैं।
अरे मारे बालो पुकारू प्रेम रो मारे बाला रे बाबू बाजरा खावे खावे कोटला खायो खायो भागते ले वो मारे माता भूखाई अरे प्रेम राव नहीं देखे जाते प्रेम देखे ये सहन भगत रा सा में प्या बणगा हर नाई
परसाराम रा पेड़ा पूटिया सूखा लकड़ लोड़ाई। सैन जी महाराज मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में हुआ और परसाराम जी महाराज मेरता नागौर जिले में मेरता बाजू में कंदरू मोकाला गांव कंदरू में हुआ। जिन्होंने भगवान पेड़ो पूजो जिमली कंबोजी महाराज ने भगवान पेड़ो पूजो वो पेड़ो अमर पुरो शहर जिला नागौर में गुसाई जी मंदिर में मौजूद है। डिगमिक डोलो काई लिखमा जी राम जी बोले घटमाई और कर सुमरन नर पार पुत्र का बहु सागर रे माई। भीड़ पड़िया भक्तों ने तारो संगठ मेटो साई तो जागो महारा गरबा दे। गोड साई लिखमोज महाराज के देखो हे प्रभु एडाड़ा भक्तों रे कार्य सारिया तो लिखमोज महाराज रे भगवान कार्यो सारियो अपने भी सभी भक्तों रे भगवान गुसाई जी महाराज कार्य सारे ला। बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। माता पिता सतगुरु दयाल की जय हो। अलख साहिब दरबार की जय हो। अब और भी